फ्रेंड्स, आज हम दो डिजिट की संख्या का क्यूब निकालना सीखेंगे ट्रिक से। ट्रिक की मदद से काफ़ी कम समय में और आसानी से हम क्यूब निकाल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 1 से 9 तक का क्यूब आना चाहिए। यदि 1 से 9 तक का क्यूब याद हो तो 11 से 99 तक का क्यूब हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम उन संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे जिसके शुरुआत में 1 हो, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, सभी के शुरुआत में 1 है। आइए समझते हैं कैसे क्यूब निकलता है ट्रिक से। हमें 12 का क्यूब निकालना है। 12 दो डिजिट में है, उसी प्रकार हम नीचे 1 और 2 को उतार देना है। क्यूब 4 डिजिट में होना है। लास्ट जो है 2, उसका हम स्क्वायर लेंगे और उसके बाद उसका क्यूब लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट अंक को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद बीच वाले अंक को डबल कर देंगे। 2 को डबल करेंगे तो 4 होगा, 4 को डबल करेंगे तो 8 होगा। अंतिम में हम ऐड कर लेंगे, 8 का 8, 4 और 8, 12, एक ही डिजिट नीचे उतरेगा और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 4 और 2, 6 और 1, 7, 1 का 1, 1728, ये 12 का क्यूब हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, 14 का क्यूब निकालना है। उसी प्रकार 1 और 4 को नीचे हम उतार देंगे, 4 डिजिट में होना है। 4 का स्क्वायर होगा 16 और क्यूब हो जाएगा 64। फर्स्ट और लास्ट अंक को कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट और लास्ट अंक को कैंसिल करने के बाद बीच वाले अंक को डबल करेंगे। 4 को डबल करेंगे तो 8 होगा, 16 को डबल करेंगे तो 32 होगा। अंतिम में ऐड कर लेंगे। यहाँ नीचे एक ही अंक होना है और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाना है, तो 64 में 4 यहाँ नीचे होगा और 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ऐड करेंगे 32 और 16, 48, 48 और 6, 54, फिर से डबल डिजिट में होता है तो 4 यहाँ होगा और 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 5 और 4, 9, 9 और 8, 17, 17 में 7 यहाँ होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 और 1, 2, 2744, ये 14 का क्यूब हो गया। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से और कम समय में इस ट्रिक से क्यूब निकलता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर लें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।